हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका किंग इन किचन में। आज मैं आपके लिए बना रहा हूँ वेजिटेबल कुरमा। तो वेजिटेबल कुरमा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए काफ़ी सारे वेजिटेबल्स, जिसे हम बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के लिए हम थोड़ा सा पानी डालेंगे पैन में और फिर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ गोभी, गाजर, ग्रीन पीस और ग्रीन बीन्स और आलू डाल रहा हूँ। आलू को हमने काट करके पानी में थोड़ा देर डाल दिया था ताकि इसका जो स्टार्च है वो पूरी तरह निकल जाए। अब हम इसे ढक करके तकरीबन 5 मिनट तक धीमी आंच में पकाएंगे। चलिए हम कोकोनट पेस्ट तैयार कर लेते हैं। हमें चाहिए 1 कप कोकोनट, 3 से 4 हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, 1 टीस्पून सौंफ, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे। फिर हम एक कढ़ाई गर्म कर लेंगे, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल, ऐड करेंगे 2 तेज़पत्ते, 3 काली इलायची, 2 हरी इलायची, दालचीनी और 5 से 6 लौंग। फिर हम 1 मिनट तक धीमी आंच में अच्छी तरह सॉटे कर लेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरह ऑयल में इन्फ्यूज़ हो जाए। फिर हम डालेंगे कटे हुए प्याज, इसे भी हम 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच में सॉटे कर लेंगे। जब ये थोड़ा पक जाए, कलर चेंज हो जाए, तब हम डालेंगे इसमें टमाटर। टमाटर ऐड करते ही हम डालेंगे नमक। नमक आप स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। जब टमाटर थोड़ा पानी छोड़ना शुरू कर दे, तब हम इसमें डालेंगे हमारे वेजिटेबल्स जो हमने पहले ही कुक कर लिया है। तो दोस्तों, वेजिटेबल्स जब आप कुक करेंगे, दो बातों का ध्यान रखिएगा कि आप ज़्यादा पानी ना डालें। ज़्यादा पानी डालने से पानी के साथ इसका न्यूट्रिएंट्स जो है वो भी इवेपोरेट हो जाएगा। और दूसरी बात, इसे आप कभी भी कुकर में इसे ना बनाएं। जो कुकर में हाई प्रेशर से इसका जो फाइबर कंटेंट है और न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो हमने डाला है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। जब पानी बॉईल होना शुरू हो जाए, तब हम इसमें डालेंगे कोकोनट पेस्ट जो हमने पहले पीस करके रख लिया था। तो दोस्तों, मैं फिर से बता रहा हूँ, कोकोनट पेस्ट आपको बहुत ही फाइन करना है, पीसना है। अगर वो दरदरा रह जाएगा तो फिर आपको रेसिपी की जो रियल टेस्ट है वो आपको नहीं मिलेगी। एक बार जब बॉईल होना शुरू हो जाए, तब हम इसमें डालेंगे फ्रेश करी पत्ते। करी पत्ते फ्रेश होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि इसी से जो फ्लेवर है वो और इंक्रीज हो जाएगा। फिर हम इसे हल्का सा हिला लेंगे और बस ऑफ कर लेंगे। हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है। तो बस दोस्तों, हमारा वेजिटेबल कुरमा बनके रेडी हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू। To lose your weight without compromising on the food and taste, then please join the Mission Slim Possible WhatsApp group by clicking on the link given in the description box below. This is a customized weight loss program where I will teach you how to cook your favorite food in zero oil, non-toxic cooking techniques and dishes which are high in protein, fiber and nutrients. The uniqueness of the program is that you make permanent lifestyle changes in the way you cook, the way you live, and so you never gain back the weight that you have lost. So, without wasting any time, quickly join the group and get your free diet analysis done. Thank you.